हेलो गाइस, मैं विवेक। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। क्या दिखाने वाला हूं वो आपने देखा होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको समझा देता हूं। तो गाइस मेरे पास है ये इस तरह का सीता गीता बम दोस्तों, ठीक है। इसे आप अच्छे से देखिएगा, ये दिवाली पर छूटता है दोस्तों, ठीक है। इसे टू रोज भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर? तो गाइस इसके अंदर कुछ इस तरह के बम्स निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह के गाइस इसमें बम निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आग लगाई जाती है इसके अंदर, और यहाँ से इसमें से पहले अनार निकलता है और फिर ये फटता है, बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है दोस्तों। गाइस आज मैं आपको इसे खोल कर दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है जिससे अनार छूटता है पहले दोस्तों, ठीक है। पहले अनार छूटता है उसके बाद ये फटता है, तो दोस्तों क्या चीज़ होती है इसके अंदर वही देखेंगे आज हम इसी वीडियो। चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है, हम यही देखेंगे। मैंने भी नहीं देखा पहले कभी, आज आपके सामने इसे खोल कर देखने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले मैं इसे काटूंगा फिर देखते हैं क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो बनी रही लास्ट तक वीडियो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दो अभी से। तो चलिए गाइस देखिए ये है मेरे पास इसका बॉक्स, कुछ इस तरह से है, देख पाएंगे इस तरह से ये छूटता है गाइस, बाद में इसमें ब्लास्ट होता है। कुछ ये सीता गीता, ठीक है। इसके अंदर दो हैं गाइस मेरे पास, तो मैं इस वाले को खोलूँगा दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर स्टैंड लगा हुआ है, बाद में काम आएगा। चलिए गाइस इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले मैं ये जो है इसका ऊपर का रैपर इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसका सारा कवाड़ा इकट्ठा कर लूँगा मैं, देखते हैं बाद में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, ठीक है गाइस। तो इसे भी हटा देते हैं गाइस। तो देखिए ये कुछ इस तरह से था, देखिए एक बार देखो ज़रा सही से, देखो ये है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये कुछ इस तरह का पदार्थ निकलता है गाइस, देखो ये एक तरह से इसके फ्यूज का काम करता है गाइस। ये चीज़ जो है दोस्तों ये इसके फ्यूज की तरह काम करती है, क्योंकि आग लगाते ही तुरंत इसमें से मतलब आग निकलती है। तो गाइस ये चीज़ है शायद अनार, शायद यही हो सकता है। तो इसे एक बार मैं इकट्ठा कर लूँगा, इसमें हम इसी में कर लेंगे इसे। तो मैं इसे कैसे काटूँ एक बार यहीं से काटना चालू करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसे यहाँ से काटता हूँ। तो कुछ यहाँ पर इसमें जगह खाली है शायद, लग रहा है मुझे। उसके बाद कुछ इसे इस तरह से काटना, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हार्ड है ये जो इसका कवर है, कटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से कट गया है गाइस, और देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। तो कुछ इस तरह से एक बार और मैं इसे काट ही लेता हूँ ताकि अच्छे से पता लग सके क्या होता है। तो ये देखो एक बार देखिए थोड़ा करीब से, इस तरह की इसमें बारूद भरी हुई है गाइस, देखिए। थोड़ा सा और अलग हो जाए यहाँ से तो अच्छा रहेगा। गाइस देखिए बारूद यहाँ से निकल रही है, मैं निकाल लूँ थोड़ी सी बाद में, देखता हूँ फिर। तो ये देखो ये यहाँ से अलग हो गया है, इसे अलग ही कर देता हूँ। ये जो है गाइस ये अनार की बारूद है दोस्तों जो छूटता है। आपने अगर इसकी टेस्टिंग नहीं देखी है गाइस तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, वीडियोस में जाकर मैंने वीडियो बना रखी है वहाँ पर बहुत सारी इसकी टेस्टिंग की। तो ये कुछ इस तरह से है, इसे यहीं से अलग कर देते हैं गाइस। ये देखो ये चीज़ कुछ इस पर अलग थी, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, देखो कुछ बहुत टूटने से भी नहीं टूट रही है गाइस, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है ये। तो एक बार इसे सही से छुटा लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर ये ऐसा बुलेट बम की तरह निकला है गाइस। ये इसके अंदर ये चीज़ है, देखिए एक बार ज़रा,
ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये मिट्टी का बना हुआ है, देखिएगा एक बार सही से, मिट्टी का बना हुआ है ये। इसके नीचे के लिए कवर के लिए, मतलब गैस रोकने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है इसके नीचे। ये सारे पटाखों के अंदर लगाया जाता है ज़्यादातर ये चीज़ जो होती है दोस्तों। इतनी सारी बारूद निकली है इसके अंदर और ये है इसका ये। तो गैस, ये अनार छूटने के बाद जो भी दोस्तों मतलब आग है वो दोस्तों यहाँ तक पहुँचती है, इसे छूटने के बाद गैस ये करता है ब्लास्ट, ये देता है इसे बहुत अच्छा एक नज़ारा अनार छूटने के बाद। क्योंकि गैस जब अनार छूटता है तो उसके बाद जो ब्लास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ख़तरनाक लगता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं जो इनकी इसी तरीके की टेस्टिंग की वीडियो बना रखी दोस्तों मैंने, वो शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं आप। तो गैस, तो चलिए आपने ये तो देख लिया इसके अंदर इतनी बारूद निकली है गैस, ठीक है। अब बकाया अब देखते चलो इसे भी खोल के, ठीक है, इसे भी खोल के देख ही लेता हूँ क्या जाता है इसके अंदर, क्या होता है। इसे कुछ इस तरह से यहाँ से काट दूँगा, है ना। ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड रैपर का बना हुआ है गैस, इसके अंदर भी सेम चीज़ है गैस। नीचे देखो, नीचे मिट्टी का ये कवर बना हुआ, मतलब नीचे मिट्टी का एक वो बना हुआ है जिससे कि इसकी जो गैस है वो रुक सके। बहुत ही ज़्यादा हार्ड कट रहा है गैस ये देखिए, ये इसका जो फ्यूज है वो अलग हो गया है। और इसके अंदर भी गैस देखो, ये बारूद है, ये फ्यूज को मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को हम निकालते हैं, देखो एक बार देखिए, तुम एक बार देखिएगा अच्छे से, ये है इसके अंदर बारूद, देखो गाइस, बस इसके अंदर इतनी ही बारूद थी। अंदर जो है वो क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार, जब खोल ही लिया है तो। तो गाइस इसके अंदर कुछ इस तरह का, ये मैंने आपको बताया था मिट्टी का लगा हुआ है, बस यही चीज़ है इसके अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, एक सीता गीता ये है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें निकली हैं। एक बार देखिएगा, दिखा दूँ मैं एक बार, ये देखो इतनी सारी बारूद इसके अंदर भरी हुई है गाइस। इसके अंदर ये जो बारूद आप देख पाएंगे ये, और ये जो दोस्तों ये जो फ्यूज है ये अंदर, इसके अंदर जो बम होता है जो दोस्तों फटता है, ये उसका फ्यूज है गाइस। तो गाइस बताइएगा, क्या आपने पहले ये सब कुछ देखा था, आपने कभी खोल कर देखा था इस चीज़ को? मैं भी चाहता था दोस्तों देखना कि अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। इस चीज़ के लिए मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ ताकि मेरे जो दोस्त हैं दोस्तों वो भी देख पाएँ इसे, क्या होता है क्या नहीं होता है पटाखे के अंदर दोस्तों, ठीक है, हमने वही देखा है। तो गाइस, क्या आपने ये सब कुछ पहले देखा था या नहीं देखा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आपने ये पटाखा चलाया है या नहीं तो गाइस इसे ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो गाइस बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।